वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियो भेजते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह मुन्ना कुछ अनाथ बच्चों के साथ रहने लगा और उन बच्चों की बुरी आदतों के कारण उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई और वहां से मुन्ना को बाल सुधार गृह में ले जाया गया और गुड्डू अपने भाई मुन्ना को ढूंढता रहा। काफी दिन हो जाते हैं, मुन्ना अपने भाई गुड्डू से मिल ही नहीं पाता। गुड्डू की तलाश जारी ही रहती है पर गुड्डू अपने भाई मुन्ना को ढूंढ नहीं पाता। कुछ दिन पहले मुन्ना को खाना नहीं मिल पा रहा था पर अब पहले से उसका जीवन काफी बेहतर हो चुका था, पर अब भी हर दिन वो अपनी माँ और भाई को याद करता था। मुन्ना अपने परिवार से तो नहीं मिल पाता लेकिन ऐसे ही कुछ महीनों बाद मुन्ना को एक विदेशी दंपत्ति गोद लेना चाहते हैं, उसका पालन करना चाहते हैं। ये पता चलने पर मुन्ना को ज्यादा खुशी नहीं होती क्योंकि उसे अपने माँ के पास जाना था। तब वो विदेशी दंपत्ति उसे समझाते हैं कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम हमारे साथ ज्यादा खुश रहोगे। और फिर मुन्ना उनकी बात मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। फिर वो लोग मुन्ना को अपने घर ले आते हैं, उसे बहुत स्नेह से रखते हैं और उन लोगों की भाषा मुन्ना समझ सके इसलिए वो मुन्ना को अपनी भाषा सिखाते हैं, अपने घर के खाने और तौर तरीके सिखाते हैं जिससे मुन्ना उनके साथ आसानी से रह सके। मुन्ना को गोद लेकर वो लोग बहुत खुश थे और मुन्ना भी उनका उसके प्रति प्यार देखकर बहुत खुशी से उनके साथ रहने लगा। और ऐसे ही 20 साल यूं ही बीत गए। अब मुन्ना बड़ा हो चुका था, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। मुन्ना बहुत बदल चुका था, उसकी भाषा, उसका रहन सहन सब कुछ बदल चुका था। वो एक जेंटलमैन लड़का बन गया था। एक दिन मुन्ना अपने गोद लिए हुए माँ बाप के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ पे खाने के लिए सभी इंडियन डिशेस रहती है। वहाँ मुन्ना खाना खा रहा होता है तभी उसकी नज़र वहाँ पर मौजूद जलेबी पर पड़ती है और जलेबी देखते ही उसको अपने बचपन की याद आती है कि कैसे वो और उसका भाई गुड्डू एक बार मार्केट में जलेबी देख रहे थे। पर उस समय वो दोनों जलेबी खरीद कर खा नहीं पाते क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं। और ये सब याद आते ही मुन्ना की आँखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसके माँ बाप उससे पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसे अपने भाई गुड्डू और अपने माँ की याद आ रही है। उस दिन से मुन्ना को अपने भाई की और माँ की याद सताने लगती है और उस दिन वो अपने परिवार से मिलना चाहता था लेकिन उसे अपने गांव, अपने शहर का पता मालूम नहीं था। बहुत सोचने के बाद मुन्ना को सिर्फ अपने गांव का नाम याद आता है और वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं अपने खोए हुए भाई और माँ से मिलना चाहता हूँ, पता नहीं वो कैसे होंगे, मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी, मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा। उसकी बातें सुनकर मुन्ना के माँ बाप उसे अपने माँ और भाई को ढूंढने की अनुमति देते हैं। वो भी चाहते हैं कि उसे उसकी माँ और भाई वापस मिल जाए। और उस दिन से मुन्ना उन्हें ढूंढने लगता है। वो हर तरह की कोशिश करता है अपने माँ और भाई गुड्डू को ढूंढने की लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। फिर एक दिन मुन्ना का दोस्त उसे सलाह देता है कि मुन्ना को गूगल अर्थ का इस्तेमाल करना चाहिए अपने परिवार को ढूंढने के लिए। उसकी मदद से दुनिया के किसी भी कोने को ढूंढा जा सकता है। ये सुनते ही मुन्ना कंप्यूटर पे अपना पता ढूंढने की कोशिश करता है। फिर वो मैप और गूगल अर्थ की मदद से हर एक स्टेशन देखता है कि शायद उसे कहीं तो कुछ ऐसा मिले कि जिससे उसे अपने गांव का पता मिल जाए। इस तरह से वो हर रोज अपना पता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन अचानक गूगल अर्थ पर ढूंढते ढूंढते मुन्ना को वही रेलवे स्टेशन, वही रोड दिखाई देता है, उसे अपना गांव मिल जाता है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने खोए हुए घर का ठिकाना मिल जाता है और उसे देख मुन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये बात वो जल्दी से जाकर अपने माँ बाप को बताता है और उन्हें अलविदा कहकर वो अपने माँ और भाई को मिलने के लिए निकल जाता है। और वो जाते जाते अपने माँ बाप को धन्यवाद देता है कि उन लोगों की वजह से मुन्ना को एक अच्छी जिंदगी मिली। और इस तरह से वो ढूंढते ढूंढते अपने गांव पहुंच जाता है और चलते चलते उसे अपने घर का एरिया मिल जाता है और वो अपने घर के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो किसी को भी पहचानता नहीं था। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं इतने दिनों बाद मेरी माँ मुझे पहचानेगी या नहीं।
और उसी समय अचानक एक बूढ़ी औरत आकर उसे गले लगाती है। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि मुन्ना की माँ थी, जो 25 साल बाद अपने बेटे को पहचान गई और उसे अपने गले लगाया। ये देखकर मुन्ना बहुत खुश हो गया और माँ से मिलकर रोने लगा। मुन्ना की तरफ देखकर उसकी माँ उसे बोलती है, मुझे पता था बेटा तू एक दिन जरूर वापस आएगा। और उसका भाई गुड्डू माँ कहाँ दौड़ते हुए गई ये देखने के लिए घर से बाहर आया तो उसने देखा माँ के साथ कौन है। मुन्ना अपने भाई गुड्डू की तरफ देखता रहा और गुड्डू समझ गया जिसे माँ की आंखें पहचान गई वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई मुन्ना ही है। और गुड्डू ने रोते हुए उसे अपने गले लगाया और इस तरह से खोया हुआ मुन्ना अपने माँ भाई और अपने परिवार से वापस मिल गया। सोनपुर गांव में एक अजय नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत ही प्यारा था। अजय के माँ की एक आंख नहीं थी इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब अजय छोटा था तब तो वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो बड़ा होने लगा उसे महसूस होने लगा कि माँ की एक आंख नहीं है, इस वजह से वो बदसूरत दिखती है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए अजय अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाता था और अपने साथ भी कहीं नहीं लेकर जाता था। उसे लगता था अगर कहीं वो अपनी माँ को साथ लेकर गया तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाएंगे। इसी वजह से अजय माँ को भला बुरा कहता था, तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिखती, मेरे दोस्तों की माँ तो कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अजय की माँ बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन अजय अपना खाने का डिब्बा लिए बगैर ही पाठशाला जाता है, तो अजय दिन भर भूखा ना रहे इसलिए अजय की माँ खाने का डिब्बा देने के लिए पाठशाला जाती है। अचानक अपनी माँ को पाठशाला में देखकर अजय को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो घर जाकर माँ को गुस्से से बोलता है, माँ मैंने कितनी बार बोला तुम मेरी पाठशाला में मत आया करो, तुम क्यों आई पाठशाला में, तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, इस बेइज्जती से तो भूखा रहना ही अच्छा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी। और रोने लगती है, लेकिन फिर भी अजय की माँ हमेशा उसका ख्याल रखती है और जिंदगी में उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। ऐसे ही दिन बीत गए, अजय बड़ा हो गया और अब अजय माँ का ज्यादा तिरस्कार करने लगा, हर वक्त माँ की बेइज्जती करता है, सबका गुस्सा वो माँ पर ही निकालता था। अजय की माँ बेचारी चुपचाप से सब कुछ बर्दाश्त करती और मन ही मन में दुखी हो जाती। एक दिन अजय अचानक से माँ को बोलता है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर अजय की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं अकेली जीकर क्या करूँगी। तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं और अब बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ के लाख रोकने के बाद भी अजय नहीं रुकता और घर छोड़कर चला जाता है। फिर अजय शादी करके अपने बीवी के साथ रहने लगता है और इधर बेचारी माँ अकेली जिंदगी गुजार रही होती है। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन अजय के दरवाजे पर कोई आता है। अजय दरवाजा खोलकर देखता है तो गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक खत होता है। वह आदमी अजय से बोलता है, अजय तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आखिरी समय में वो तुम्हारे लिए यह खत छोड़ के गई है, यह रहा वो खत। खत हाथ में देखकर वहाँ से चला जाता है। ये खबर सुनकर अजय थोड़ा दुखी होता है और फिर अजय अपनी माँ का खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा अजय मेरी एक आंख न होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी भर बेइज्जती होती रही, इसका मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। अजय जब तुम छोटे थे ना तो तुम बाहर खेल रहे थे तो खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आंख में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे की एक आंख खराब हो गई, अब इसका एक ही हल है कि कोई अपनी एक आंख इसे दे दे,
मैंने जरा भी वक्त जाया न करते हुए तुम्हें अपनी आग दे दी ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ और बेइज्जती ना हो। उस दिन मेरी एक आँख निकाल कर तुम्हें दे दी गई और उस दिन से मेरी एक आँख नहीं है। उस दिन के बाद से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी, माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। ये बात समझते ही अजय फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं रही। अजय को माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वो अपनी माँ से दिल से माफी मांगना चाहता था पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जिंदगी भर इस बात से पछताता रहा, काश मैं माँ से एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोलता जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर माँ के कान तरस गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी कारण अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियोस।